आज हम बात करते हैं 10 ऐसे जानवरों की जो काफी भयानक दिखते हैं, लेकिन आपने शायद उन्हें कभी देखा नहीं होगा और शायद उनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि आपकी जान भी ले सकते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो इतने शर्मीले हैं कि आपने उन्हें कभी नहीं देखा होगा, लेकिन सबके सब दिखने में काफी डरावने और भयानक हैं। साइक्लॉप्स शार्क, इसको सबसे पहली बार मेक्सिको में देखा गया था। इसकी सिर्फ एक ही आंख है और वो बिल्कुल इंसानों जैसी है और काफी डरावनी भी है। गोलियात टाइगर फिश, इसके नुकीले दांत आपकी मांस को चीरते हुए आपकी हड्डियां बाहर निकाल सकते हैं। ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा चुकी है और कभी कभी मगरमच्छ के बच्चों को तक खा जाती है। पिनोकियो फ्रॉग, इसको इंडोनेशिया के जंगलों में सबसे पहली बार देखा गया था और दिखने में ये काफी भयानक है क्योंकि इसकी चोंच लंबी और छोटी हो जाती है, बिल्कुल पिनोकियो के कार्टून कैरेक्टर जैसे, जिसकी नाक झूठ बोलने पर लंबी हो जाती थी। इसकी नाक उत्तेजित होने पर लंबी हो जाती है और शांत रहने पर छोटी हो जाती है। वैसे तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी ये भयानक दिख। ट्यूब नोज्ड फ्रूट बैट, इस वाले चमगादड़ को फ्रूट खाना बहुत पसंद है और इसकी नाक बिल्कुल ट्यूब के शेप जैसी है। इसकी शक्ल शाकाल जैसी दिखती है और ये काफी डरावना भी दिखता है। बैट ईयर्ड फॉक्स, अफ्रीका में पाए जाने वाले इस जानवर के कान बिल्कुल चमगादड़ जैसे हैं। इस जानवर को देख के लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, लोमड़ी का पत्नी का चमगादड़ के पति के साथ कुछ तो चक्कर चल रहा है, तभी ऐसा रिजल्ट निकल के आया है। कठुलू लार्वा, समुंदर की गहराइयों में रहने वाला ये जानवर मिट्टी खाता है और बिल्कुल एलियन जैसा दिखता है और किसी को भी बड़ी आसानी से डरा सकता है। फ्रिल्ड शार्क, इसका जबड़ा शार्क जैसा है और इसका शरीर सांप जैसा है। इसकी लंबाई 6 से 7 फीट तक जा सकती है। वैसे तो इसने इंसानों को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जरा सोचिए, किसी दिन आप समुंदर में नहा रहे हो और ये पीछे से आ जाए। अटलांटिक वुल्फिश, इनके खूबसूरत नीले रंग पर मत जाइए, मौका मिलने पर ये अपने नुकीले दांतों से आपका मांस चीर के आपको अपना खाना बना सकती है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। स्टार नोज्ड मोल, ये एलियन जैसा दिखने वाला जानवर हमारे प्लेनेट का तो नहीं हो सकता, ये कहीं बाहर का ही लगता है, लेकिन ये कनाडा के गीले प्रदेशों में पाया जाने वाला एक मोल है जो कि ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहता है और अपने बड़े बड़े हाथों से गड्ढा खोद के जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़े सब खाता है। लेजुला, इन अफ्रीका के बंदरों की सबसे खास बात यह है कि इनका नाक नक्श बिल्कुल इंसानों से मिलता है और ये बात काफी डरावनी भी हो सकती है। 2012 तक इनका कोई अतापता तक नहीं था। हो सकता है इनकी शक्लें आपके बगल वाले अंकल जी से भी मिलती हों।